नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल खेती दुनिया पर। दोस्तों, आज हम आपको जो उपकरण दिखाने जा रहे हैं ये टोटली एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जिसको आपने घर के आसपास आपके गली मोहल्ले में जहां से आप अपने गेहूं पिसवाते हैं, जो आटा बनवाते हैं, आपने बहुत तरह की आटा चक्की देखी होगी। लेकिन ये एक बहुत ही आधुनिक यंत्र हमारे जो सुरेंद्र जी हैं उन्होंने बनाया है, और हम यहाँ स्पेशली इनकी एक वीडियो बनाने के लिए आए हैं ताकि ये नए उपकरण की हमें जानकारी दे सके, जो कि हो सकता है हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो ये जानकारी। दोस्तों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, जिसकी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक बड़ी आटा चक्की है, जो कि लोग बड़े प्लांट लगाना चाहें तो वो आटा चक्की का प्लांट इस तरह का लगा सकते हैं। आइए हम पहले जानकारी लेते हैं यहाँ के ओनर सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, आप अपने थोड़ा सा परिचय दीजिए कि आपको आपकी अपनी कंपनी के बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं थोड़ा, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं और हमारे और भी दर्शक हैं जिनको जानकारी मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों को, मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार पानीपत से हूँ और अपना आटा चक्की, मेड इन इंडिया की आटा चक्की हम ये बनाते हैं। श्री गणेश हमारे फर्म का नाम है और ये मेरा मोबाइल नंबर इस पर है। हमें जानकारी दीजिए हमारे किसान भाइयों को कि ये किस तरह से काम करती है, तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में सर। इसके अंदर गेहूं हम यहाँ से डालते हैं। अच्छा जी, गेहूं हम इसमें डालेंगे जी, और गेहूं डालने के बाद इसमें से यहाँ से हमारा अनाज अंदर जाता है जी, और अंदर जाके इसके अंदर से पिसाई होता है। पिसाई होती है, ये चैम्बर तो है। जो नॉर्मल जो आटा चक्की आती हैं, और आपकी आटा चक्की में क्या फर्क है, ये किस तरीके से पीसती है, ये आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाइयों को। नॉर्मल जो आटा चक्की है उसमें पत्थर से पिसाई होती है। अच्छा जी, और इसके अंदर बिना पत्थर की पिसाई होती है। बिना पत्थर के, स्टोनलेस है। वो कैसे सर, आप दिखाना चाहेंगे हमें, हमारे दर्शकों को? ये बिल्कुल आधुनिक आटा चक्की है, जो कि अब आने वाले वक्त में शायद हर गली मोहल्ले के पास में जितनी भी आटा चक्की जहाँ पर लगी होती हैं सभी जगह पे ये पहुँच पाएगी, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक नई जानकारी मिल पाए। जी जी सुरेंद्र जी, बताइए। इसके अंदर पत्थर नहीं है कहीं पे। अच्छा, यहाँ पर कोई पत्थर नहीं है जी। तो जैसे जो पुरानी जो आटा चक्की आती थी बड़ी, उसमें पत्थर होते थे काफी, जो पत्थर होते थे जी, और आटा गर्म हो जाता था उनमें बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें आटे का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहता है जी। अच्छा, और इसमें पिसाई होने के बाद जी, इसके अंदर पहले छोटे चैम्बर में अनाज आएगा, डबल चैम्बर का है ये। अच्छा, इसमें पहले इसमें अनाज आएगा और इसमें से छिद्र देख रहे हो आप, सुराख देख रहे हो जी, इसमें से पिसा हुआ बाहर आ जाएगा। तो ये डबल चैम्बर से क्या फायदा होता है सुरेंद्र जी? डबल पिसाई हो जाएगी, डबल पिसाई, लोड कम होगा, फिर बाहर पिसाई होके छन्नी, ये जो जाली लगी हुई है जी 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 जी, जाली से आटा आपका नीचे वाले इसमें आ जाएगा। अच्छा, और वैक्यूम इस पाइप के द्वारा ऊपर खींच लेगा इसको। अच्छा, ये ऊपर खींच लेगा। और जो ये मैं देख पा रहा हूँ, ये किस चीज का मोटर है सर? ये वाला, ये क्रॉम्पटन की मोटर है। अच्छा, 1 HP की, 1 HP की मोटर है सर जी। और इसमें से अपना फैन लगा हुआ है। अच्छा, ये फैन इसमें पीसे हुए आटे को वैक्यूम कर लेता है। वैक्यूम कर लेता है जो की, और जो ये पीछे जो ये ब्लोअर देख पा रहा हूँ, ये क्या काम करेगा सर? यहाँ ब्लोअर हवा को बाहर निकाल देगा। अच्छा, और आटा हमारा साइक्लोन में से आगे। अच्छा, और नीचे एयरलॉक में आ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, एयरलॉक के पास एक आधे HP की मोटर लगी हुई है। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अंदर एक आधा HP की मोटर लगी है, जो कि क्रम्पटन ग्रिप्स की, जो क्रम्पटन ग्रिप्स की गियर मोटर है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आटा हमारा इसमें नीचे बड़े आराम से गिरता हुआ नजर आएगा, गिरता आएगा। तो अगर मैं आटे की बात करूँ तो 1 घंटे में क्या औसत होगी इसके आटे की सर? 10 HP की मोटर के ऊपर आपको ये 125 kg आटा 1 घंटे में दे। बहुत शानदार सर, सवा
125 kg एक घंटे में जी। बहुत खूब। तो सर इसकी जो मोटर है वो कहाँ पर लगी है, जो इस मशीन की मोटर है सर? इसकी बैक साइड में लगी हुई है। बैक साइड में सर, मैं हाथ से घुमा रहा हूँ। जी सर, जी सर, इसकी बैक साइड में नीचे लगी हुई है। अच्छा, और ये इजीली रिमूव करती है, यानी कि इसमें टोटल तीन मोटर लगी हुई है, जो कि एक 10 HP की है और एक आपकी 1 HP की है और अंदर जो है आधा HP की है। तो इन मोटर की कितनी वारंटी रहती है सर यहाँ पर? सर कंपनी की तरफ से 1 साल की वारंटी रहती है इसकी। अच्छा, हर जगह सर्विस स्टेशन है कंपनी के क्रॉम्पटन के। जी 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 सर, हर जगह से रिपेयर हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो कोई भी हमारे किसान भाई या कोई भी जो इसका रोजगार का फायदा उठाना चाहता है वो कहीं पर भी इसको रिपेयर करवा सकता है। तो सर अगर जाली की बात करें तो जाली कितनी प्रकार की इसमें आप देते हैं सर? जाली हम इसमें 8 प्रकार की जालियां देते हैं। जी सर, जो ये वाली मैं जाली देख पा रहा हूँ ये इसी तरह की जाली होती है? 8 प्रकार की जालियां देते हैं। जी जी, जिसमें मोटा बारीक जैसा मर्जी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अच्छा सर, तो इसमें सर ये इसमें क्या क्या हम पीस सकते हैं और क्या क्या हम इससे लाभ उठा सकते हैं इस मशीन से सर? इसमें आप हल्दी, मिर्च, मसाले, आटे, किसी भी प्रकार का आटा, हर तरह का, जैसे आपने बाजरा पीसना है या मक्का पीसना है या मिक्स करके डालना है, सब पीसेगा इसमें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये इतनी बड़ी मशीन जो है जो हमारे सुरेंद्र जी ने बनाई है और इनका टोटल जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है और हम आपको इनकी फैक्ट्री का भी टूर कराएंगे जिसमें कि टोटली यहाँ पर सब चीज़ इनकी यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसके कारण जो है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट इनका निकल के आ रहे हैं और बहुत ही इनकी डिमांड रहती है यहाँ पानीपत में अगर देखा जाए तो। तो सर ये इसकी कीमत कहाँ से स्टार्ट हो जाती है सर? इसमें 7.5 HP की मोटर लगाते हैं। जी सर, तो 235,000 रुपये की स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, यानी कि 235,000 से ये बड़ी वाली मशीन आपकी तैयार हो जाती है, जो कि शायद डिपेंड करता होगा कि जैसे मार्केट के रेट बढ़ते घटते रहते हैं लोहे के, तो उस हिसाब से भी ये जो है प्राइस अप डाउन होता रहेगा। तो सुरेंद्र जी मैं चाहूँगा कि मैं आपको नंबर इनका दिखा रहा हूँ यहाँ पर और आप सुरेंद्र जी से बात कर सकते हैं कभी भी, आप जब चाहें इसी मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं या खुद भी आकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इनका टोटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और टोटली आपको अभी थोड़ी देर में हम आपको इनके और भी जितनी प्रकार की आटा चक्की आती है वो उनके बारे में जानकारी देंगे और आपको दोस्तों अब हम इसका एक लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये मशीन काम करती है। तो सर इसके बारे में जानकारी बताइए कि क्या प्रिकॉशन हमारे किसान भाइयों को इस मशीन में रखना है जी? इसमें हमने वैसे प्रिकॉशन के लिए तो मैग्नेट दी हुई है। अच्छा सर, मैग्नेट है स्ट्रॉन्ग, अप डाउन दोनों तरफ मैग्नेट लगी हुई है, जितना हम चाहें इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जी सर, और जैसे जो भी मेटल जाएगा लोहे की आइटम इस पे चिपक जाएगी। अच्छा, तो सर ये जो ये मैं देख पा रहा हूँ जो जहाँ पे आपने मेरे को जाली दिखाई थी और ब्लेड दिखाया था, तो ये हमें टाइट से बंद कर देना है पहले? ये हमने आगे से ढक्कन को टाइट बंद कर देना है, इसका फेस पूरा मिल जाना चाहिए। जी सर, साफ करके। जी सर, और इजीली मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है सर, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट हम इसमें डालेंगे। जी सर, अभी आपको मक्का पीस के दिखाते हैं। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी हम मक्का की पिसाई करेंगे और देखते हैं कि काम करती है। दोस्तों देखो ये मक्का यहाँ पर डल चुका है और ये धीरे धीरे जो है इसका जो सर इसको क्या बोला जाता है सर? गेट सर, गेट। अच्छा, इसके मक्का अंदर जाने के लिए रास्ता। अच्छा, यहाँ से लगा लीजिए, गेट लगा लीजिए जी। इसमें लगभग लगभग आपका 50 से 60 किलो तक एक बार में मक्का आ जाता है। तो हम सर इसका गेट जो है कितना खोल सकते हैं इस मशीन का जो? वो हमारे एम्पेयर मीटर के हिसाब से सेट होता है। एम्पेयर मीटर के हिसाब से मोटर का एम्पेयर, जैसे 10 HP की मोटर है जी सर, तो 15 एम्पेयर तक हमारे को इसको चलाना होता है। 15 एम्पेयर तक इसको आपको चलाना होगा जी सर। तो वो जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी जी सर, 8, 9, 7, 8 एम्पेयर पे चलेगी जी सर। जैसे ही इसके अंदर अनाज जाना स्टार्ट हो जाएगा उसके एम्पेयर बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए शुरू कर। 15 एम्पेयर पे जैसे ही जाएगी जी, और उसी वक्त हम इसका गेट जो है कम उतना ही रख देते हैं, उतना रख देते लगातार 15 HP पे चलती रहेगी। ठीक है सर, तो सर चलिए शुरू करते हैं इसका। स्टार्टर है इसका, ये स्टार्टर इसके साथ में आएगा सर? जी स्टार्टर इसके साथ आएगा, ये एम्पेयर मीटर हमने इसमें लगा दिया है। तो सर ये एम्पेयर मीटर भी हमें अलग से लेने की जरूरत है सर? नहीं नहीं, इसके अंदर मिलेगा स्टार्टर, इसके अंदर ही मिलेगा। ओके ओके सर, ओके। अब स्विच ऑन करते हैं।
अब हम जानते हैं श्री गणेश जी वालों की जो दूसरी आटा चक्की मशीन है, जिसे मिनी आटा चक्की कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, दो मॉडल्स इसमें रखे हुए हैं जिनकी अलग अलग तरह की डिज़ाइन है और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन दिख रहे हैं। ये इनके सेल्स पर्सन से जानते हैं कि किस तरह की इस मशीन की खासियत बताइए सर, इसके बारे में क्या जानते हैं। आज के आधुनिक युग में मिलावट से बचने के लिए ये चक्की ध्यान में रख के बनाई गई। सबसे मेन बात इसकी क्या है कि पत्थर नहीं यूज होते इसमें। आजकल क्या है, पुराने टाइम में डाइजेस्टेबल पत्थर थे, लाल पत्थर हुआ करता था, ऊंचा मड़ता तो डाइजेस्ट हो जाता, लेकिन आज के टाइम में क्या कर रहे हैं लोग, सीमेंट का पत्थर यूज कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आटे के साथ पेट में जाने लगा है और पथरी की ज्यादा शिकायत होने लगी है। तो उसे ध्यान में रख के हमने ये चक्की तैयार करी है, ठीक है ना। ये देखिए, आपको मैं इसका डेमोस्ट्रेशन भी देता हूँ। ये इसे ऑन कर लिया, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। जैसे ही इसमें गेहूं अनाज जो भी आप पीसना चाहते हैं वो डालोगे, ये ऑटोमेटिक चालू होता है। सबसे मेन बात क्या है, इसमें बच्चे की सावधानी बरतते हुए ऑटोमेटिक सिस्टम दिया गया। ये जैसे ही कोई बच्चा इसके साथ छेड़खानी करता है, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा इसको अगर खोल देगा तो ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाएगी। जैसे ही इसे बंद करेगा ऑटोमेटिक चालू। अच्छा, जब तक ये दरवाजा बंद नहीं होगा ये ऑटोमेटिक चालू नहीं। अच्छा, ना कोई शोर है, ना कोई मेंटेनेंस है, लो वोल्टेज पे चलता। तो सर, अगर आपके आज के टाइम पे देखा जाए तो मार्केट में कई तरह की आटा चक्की आती हैं, ठीक है, जैसे कि और भी सस्ती मशीनें जो मार्केट में आ रही हैं, तो आपकी मशीन में और औरों की मशीन में क्या फर्क है, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे सर? मशीन में और इस मशीन में ये फर्क है, देखो सबसे मेन तो है आजकल पीएलबी गत्ता यूज करते हैं। इसके बाद ये देखो, इसको मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन में दिखाता हूँ। ये राजकोट का चैम्बर इसमें यूज हो रहा है। राजकोट सर, राजकोट के चैम्बर में क्या ऐसी खास बात है? जो इस चैम्बर में क्या है, ऑटो गाइड सिस्टम है, मतलब सॉरी ऑटो लॉक सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। ओके ओके। और जो सिस्टम आते हैं, जो चैम्बर आते हैं उसमें टाइट करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ही पुश करने पे सॉफ्टली बंद भी हो जाता है। छह ब्लेड सिस्टम है ये। अच्छा, इसमें छह ब्लेड। ये क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, जैसे ही दाना ऊपर से नीचे आएगा इसमें पिसेगा, यानी कि हवा के ब्लोअर के साथ। यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर जो है अपना दाना डालेंगे और ये नीचे यहाँ से पिसता हुआ आएगा, ठीक है, और ये जो ब्लेड्स हैं, जो छह ब्लेड दी गई हैं, तो ये आपको पीसेगी। सर, ब्लेड की क्या क्वालिटी है सर आपकी, ये किस किस तरह का ब्लेड होता है सर ये वाला? ये स्टील का ब्लेड होता है, स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, ठीक है ना। इसकी क्या है, 25 साल तक तो ना ये घिसेगा ना ये टूटेगा। अच्छा, हाँ, बहुत खूब। ये इसको अनाज को तोड़ के हवा के प्रेशर के साथ नीचे फेंकता है आटे को, और ये छह तरह की इसमें जाली दी जाती है, मोटा बारीक पतला जैसा आपको पीसना है वैसी आपको जाली, इजिली आप जाली लगा भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। इस तरीके से जाली लग जाएगी, ऑटोमेटिक इसको बंद कर दो, इसके जो है आटा। मैं जानना चाहूँगा कि इसमें किस तरह की मोटर दी गई है, थोड़ा मोटर के बारे में जानकारी दें, क्योंकि मार्केट में देखा गया है कि कई अलग अलग प्रकार की मोटर आती हैं, तो आपकी मशीन में किस प्रकार की मोटर है, थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर। देखिए, इसमें जो है हम हैवी मोटर यूज करते हैं, प्योर कॉपर वाइंडिंग, ठीक है, जो डेक चून की इसमें बॉडी होती है और प्लस उसमें प्योर कॉपर वाइंडिंग रहेगी, 1 किलो से ऊपर उसमें वायर लगती है, हैवी वाइंडिंग होती है। तो सर, इसकी उससे आपका क्या होता है, जैसे आपकी कंजप्शन है ना, जो वाइंडिंग हम हैवी करवाते हैं उसके उससे आपकी कंजप्शन लो हो जाती है। 1 घंटे अगर आपकी आटा चक्की चलती है तो मुश्किल से आपका 4 से 5 रुपए का बिल रहता है इसमें, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में सर ये कितना आपका गेहूं पीस देती है, कितना आटा आपने? 10 से 12 किलो के बीच में पीसते। सर, इसकी वारंटी की बात करें तो कितनी वारंटी होगी सर? तो इसकी, इसमें जो चैम्बर है इसकी तो लाइफ टाइम गारंटी रहती है, और जो ये ब्लेड है जी सर, बशर्ते इसमें कोई भी लोहे का आइटम ना जाए। अच्छा, ठीक है ना, अदरवाइज इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। अच्छा सर, गेहूं चना मक्की आप जो मर्जी डालते रहो, इसका कुछ नहीं बिगड़े, ना रगड़ता है ना घिसेगा, 25 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा सर, और सर अगर मोटर की वारंटी की बात करें तो वो कितना होगा सर? 5 साल की मोटर की वारंटी। 5 साल की मोटर की वारंटी इसमें, 1 साल कंप्लीट चक्की की रहेगी और 5 साल की इसमें मोटर की वारंटी रहेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे भाई साहब ने बताया कि इसमें 5 साल की मोटर की वारंटी रहेगी,
और अगर आप इस आटा चक्की को अपने घर में लाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नंबर ले सकते हैं हमारे श्री गणेश आटा चक्की का, जो कि श्री गणेश इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से इनकी कंपनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको ये दिखा भी देता हूँ कौन से अनाज हम इसमें पीस सकते हैं सर। और इसमें आप गेहूं, चना, मक्की, बाजरा, जितने भी आप वीट यूज करना चाहते हो। एक खास बात और आपको इसमें बता दूं मैं, कई पत्थर वाली जो चक्कियां होती है उसमें आप गेहूं पिसवाओगे तो खाली गेहूं पिसेगा, चना पिसवाओगे तो खाली चना पिसेगा, या मक्की पिसवाओगे तो खाली मक्की। इसमें आप ऑटोमेटिक एक ही टाइम में मल्टीग्रेन आटा ले सकते हो। मल्टीग्रेन चना मक्की आप इकट्ठा डालिए, इकट्ठा आपको मल्टीग्रेन आटा मिल सकता। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कंपनी द्वारा दो मॉडल दिए गए हैं, आप इसमें से कोई भी मॉडल अगर चूज़ करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली इसको ले सकें। जब तक के लिए धन्यवाद।